टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की फिल्म बागी 2 आज थिएटर पर रिलीज हो गई। बागी 2 साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म बागी का सीक्वल है। वहीं ये तेलुगु फिल्म क्षणम की रीमेक है। बागी 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की शुरुआत होती है रॉनी यानी टाइगर और नेहा यानी दिशा पटानी से। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन रॉकी और नेहा की शादी से कुछ समय पहले नेहा के साथ एक हादसा हो जाता है जो पल भर में इनकी प्यार की दुनिया को उजाड़ देता है। इसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि टाइगर दिशा की डायलॉग डिलीवरी ने भी फिल्म में जान फूंक दी है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के बीच रोमांस फिल्म की खास कड़ी है। बागी 2 में टाइगर श्रॉफ का नया माचो लुक वन टाइम वॉच है। फिल्म में एक्शन का जबरदस्त तड़का है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इंटरवल के बाद आपको थ्रिलर बेस पर पहुंचा देगी जो फैंस को बहुत पसंद आएगा। इस फिल्म में हिट फिल्म के सारे मसाले डाले गए हैं। एक्शन, रोमांस, गाने, स्टंट और इमोशन, इन सब का फुल मसाला डाला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म थोड़ा सा बोर भी करती है, लेकिन उसके ऊपर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो टाइगर और दिशा ने बखूबी फिल्म में काम किया है। वहीं प्रतीक बब्बर ने बतौर विलन इस फिल्म के साथ जबरदस्त कमबैक किया है। बात करें फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की तो रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार ने भी शानदार काम किया है। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप टाइगर के एक्शन के दीवाने हैं तो आप ये फिल्म देखते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।